हेलो हेलो। टायर्ड? सुबह से वेरी टायर्ड, रात को सो नहीं पाए, कॉल आया सेलेक्ट हो गई, बड़े मुश्किल से 1 घंटे नींद आया, उससे भी 10 बार उठी। अपने बारे में बताओ। मैं बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। मेरे को घूमना फिरना बहुत पसंद है, अब्रॉड ट्रैवल करना बहुत पसंद है। पहले मेरे को ऐसा मेरी थिंकिंग होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि जो इंडिया में होता है यही सही है, यहाँ पे जो लोग सोचते हैं यही सही है। बाहर गई, दूसरों की थिंकिंग देखी तो मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको नहीं लगता कि हमारा कल्चर दुनिया में सबसे बढ़िया है? मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता, सारे कल्चर अपने अपने वे में अच्छे हैं। ये लोगों की मिसकंसेप्शन है, लोग बोलते हैं हमारा कल्चर हमारी संस्कृति, मेरे को ये डायलॉग आज तक समझ में नहीं आया कि ये लोग कहते क्यों हैं। टू थिंग्स आई डिसलाइक अबाउट इंडिया वो बता दो। यहाँ पे कहा जाता है कि औरतों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, पर नहीं दी जाती, उनको इक्वल नहीं कंसिडर किया जाता। यहाँ पे लोग मैन एंड वुमेन को फिजिकल बेसिस पे कंपेयर करते हैं कि औरतें ये उठा नहीं सकती तो वो वीक है। रियली तुम्हें लगता नहीं कि इस बात में सच है? सी फिजिकली नॉट फिजिकली, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। क्यों क्यों वीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं काम आती, राइट? कभी सुना है कि एक ग्रैंड प्री रेस में, F1 रेस में कोई लड़की जीती हो? इतना नहीं पता, बट मानना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, औरतों के बस की बात नहीं। लड़कियां बहुत जल्दी दब जाती हैं, वो मान जाती हैं कि भाई हमको इस प्रोफेशन में नहीं जाना। Really, do you really believe that? Yes, I do. That's your excuse. लड़कियों को कि आपको चाहिए कि कोई आपको एनकरेज करे? नहीं, मेरे साथ डिफरेंट केस है, मेरे को कोई एनकरेज करने के लिए नहीं चाहिए, मैं जा सकती हूँ अगर मुझे जिसमें भी जाना है। तुम्हारा पूरा वर्णन बता देता हूँ, तुम एक बिगड़ी हुई बातूनी लड़की हो। That's all. That's all. नहीं, ऐसा कुछ नहीं। Also stubborn. I would say I'm rebellious, but I'm not stubborn. क्या आज तक rebellious क्या किया आपने? अभी तक से क्या? Even for mass communication जो मैं कर रही हूँ। Mass com की फीस कौन भर रहा है? मेरा डैड भर रहे हैं। Oh my God, he's also rebelling. No. वो भी rebel कर रहे हैं। Finally he agreed. अपने आप से कर रहे हो? मैंने उनसे झगड़ा किया कि भाई मेरे को जाना है। You have emotionally blackmailed him. Rebellious होता घर छोड़कर चले जाती, कहीं से पैसे कमाती और इसके अंदर फीस भरती। तुम्हारा रोडीज में आना एक चाइल्डहुड ड्रीम है, आपने लिखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। आप रोडीज में सिर्फ सेलेक्ट होना चाहती हैं या जीतना चाहती हैं? मैं जीतना चाहती हूँ रोडीज को। Are you sure? Yes. यहाँ आपने लिखा हुआ द वर्स्ट थिंग अबाउट रोडीज इज एक आदमी की सारी बुरी क्वालिटीज सामने लाता है जीतने के लिए आदमी को बुरा बनना पड़ता है रोडीज में। बैड क्वालिटी आपका एक बैड साइड भी ले आता है, लोग बुरे बन जाते हैं, लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, आपका बैड साइड बाहर आ जाता है। रोडीज को शराफत में जीता जा सकता है? बिल्कुल। यू थिंक? यस। आप परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगी रोडीज के अंदर? दैट्स योर मंत्रा फॉर सक्सेस? यस। यू विल बी बीटन बाय अ लॉट ऑफ पीपल, सम ऑफ द गर्ल्स आल्सो, डेफिनेटली द बॉयज। सो नाउ व्हाट्स योर सर्वाइवल स्ट्रेटजी? सी, अगर परफॉर्मेंस काम नहीं आ रही देन ऑब्वियसली आई विल गो फॉर पॉलिटिक्स। आप अच्छी हैं पॉलिटिक्स में, आप मैनिपुलेट कर सकती हैं लोगों को? यस। डू यू बिलीव? नो। हाउ आर यू फीलिंग? वेरी टायर्ड। कैसा लगा चीटिंग करके? चीटिंग नहीं किया मैंने। कैसा क्रंच था? मैं हवा को पकड़ रही थी ना ऊपर आने के लिए। जब कर रहे थे तब क्या लग रहा था? मेरे को याद है मैं कुछ भी करने के लिए जो मैं पॉसिबल नहीं होता था मेरे लिए करना, मैं सोचती थी कि भाई मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मेरे को करना है, अगर मेरा इसमें नहीं हुआ तो मेरा रोडीज में भी नहीं हुआ। ओ बाप रे। यस। एंड वही थॉट मेरे दिमाग में उस वक्त आ रहा था कि इस बार करना है बिकॉज एवरीथिंग और नथिंग, अगर मैंने ये लास्ट नहीं किया तो शायद मैं सेलेक्ट भी ना हो और अभी रो दूंगी। Why are you crying? Happy you came this far? Yeah, very happy. About yourself? Yeah. मेरे को पहले लोग बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा, मैंने अपनी फ्रेंड से बात की एंड शी सेड कि सबको क्यों बता रही कि तेरा सिलेक्शन हो गया, पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, कोई कुछ बोल नहीं रहा, बट कुछ होगा नहीं, तेरे फ्रेंड्स उल्टा कम हो जाएंगे। लाइक आई डोंट केयर, बट मेरा बचपन का ड्रीम है, मेरे को पूरा करना है तो करना है, फ्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू? वेरी। एंड इज इट व्हाई? सी, लोग यहाँ पे फेम पाने के लिए आते हैं, मनी पाने के लिए आते हैं, मेरा ऐसा कोई एम नहीं है। लोग अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी आते हैं, मैं अपने आप को किसी बात का प्रूफ करने के लिए नहीं आई हूँ, बिकॉज आई थिंक आप अपना करियर बनाओ, आप ऑलरेडी लोगों को प्रूफ कर दोगे आप कितने अच्छे हो अपने काम में, दैट्स इट। रोडीज बस मेरा सपना है, मेरे को पसंद है और मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ यहाँ पे। कभी देखा आपने किसी को यहाँ पे रोते हुए?
लोग आके रोते तो हैं। Do you understand why? I have no idea. शायद आज रिलाइज हो रहा है। Come here. Hi Rajat. बैठो। You got a very nice smile, Rajat. Thank you. और बताओ अपने बारे में। ग्रेजुएट हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पापा बिजनेसमैन है, मम्मी हाउसवाइफ है, एक मेरी बड़ी दीदी है। कब संभाल रहे अपने पापा का बिजनेस? मैं बिजनेस में नहीं जाना चाहता, वैसे कुछ है ही नहीं बिजनेस में, रखा ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा जाके। तो क्या करना चाहता है सर? मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं तो एक एक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा हुआ खुल के बोला तुमने। मैंने अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करा। अभी क्या क्या सिखाते हैं एक्टिंग क्लास में? दो तीन लाइन बोलूँ? हाँ जी। प्यार, ये शब्द मुझे उस दिन की याद दिलाता है जिस दिन तुमने मुझसे पहली बार कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है। याद है तुम्हारा लाल शरारा? मुझे आज भी याद है जो तुमने उस दिन पहना था। रजत, मानना पड़ेगा निहायत ही घटिया एक्टर है तू, तेरे बस की नहीं है। सीख रहा हूँ सर। मुझे एक्चुअली एलर्जी है इस चीज़ से कि कोई एक्टर बन जाता है या स्टार बनना चाहता है और यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसको कैमरे ही दिखते हैं उसके बाद। वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ होती है जो रोडीज है ना, इसका नाम जो है ये एक छोटा नाम नहीं है, इस पर हर कोई बंदा भी आएगा ना, फेम हर बंदे को चाहिए। तुम्हें पता है कि रोडीज, तुम कह रहे हो छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। पता क्यों है? क्योंकि जो रोडीज कारनामे करते हैं ना, जो पैशन दिखाते हैं, अब रोडीज पैशन का दूसरा नाम बन चुका है। रोडीज की क्रू जो मेहनत करती है, उस पैशन की वजह से रोडीज एक बड़ा नाम बना है। इतने सारे लोग इतना पैशन से काम कर रहे हैं और तू आया होगा वहाँ पर बेवकूफ़ की तरह एक्टिंग छाड़ रहा होगा या एक्टर बनने के ख्वाब में तू खड़ा हुआ। क्यों भाई तेरे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? सर ऐसा नहीं है, मेरे अंदर पैशन नहीं है। मैं पिछली बार थोड़ा वैसा था तो मैंने इस बार सोचा, मैंने कहा थोड़ी हल्की सी बिल्ड विल्ड करता हूँ। ये तूने प्रिपरेशन किया है? नहीं सर, ये था जैसे मेरा अपना ये है कि जैसे बंदे थोड़े गुड लुकिंग हो तो मे बी वो हो सकते हैं, तो मेरा ये था मैं अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ूं। तेरे हिसाब से तेरे में पैशन है, ठीक है। अभी तक तो प्यार मोहब्बत से बातें हो गई, लेकिन रोडीज का ऑडिशन में बैठा तू, पर्सनल इंटरव्यू में, तो रोडीज का फील तो आना चाहिए। तो तैयार है? बिल्कुल सर। टास्क में परफॉर्म करेगा तू? हाँ जी। मैं तेरे को बहुत ही सिंपल टास्क देता हूँ। ओके सर। जो मैं करूँगा वही तू करियो। कर दिया तो हंसते खेलते बाकी इंटरव्यू निकल जाएगा, अगर तूने नहीं किया तो इंटरव्यू उल्टा हो जाएगा। अगर नहीं करना तो अभी बोल दे। नहीं सर करना है, ट्राई करूंगा मैं पूरा। ठीक है, बिल्कुल। ऐसा कर ले, बिना अंगूठा इस्तेमाल किया। अंगूठा बाहर कर लिया? नहीं नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? ऐसे ये नहीं कर पा रहा तू? ये चल थोड़ा आसान कर देते हैं, ये कर। ट्राई करता हूँ। अंगूठा टच किया ना तूने, मैं तोड़ दूंगा तेरा अंगूठा। चल क्या कर रहा है? ऐसा कर लू मेरे को। क्या बोला तूने? मैंने कहा ऐसे कर लूँ। क्यूट बन रहा तू अब। सॉरी सर। ये कर ले, सीधी सीधी सी बात है, और उसके बाद ऐसे नहीं हुआ तेरे से। अब बेटा तेरा हो गया इंटरव्यू उल्टा, पीछे कर चेयर, सर के बल खड़ा हो। देखो रघु, मिस्टर एक्टर, मिस्टर रोडी, बस यू आर एम्बैरेसिंग योरसेल्फ। बैठ जा जमीन पे, तू कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। क्या सोच के आया था यहाँ पर? सेलेक्ट होने किया था सर। किस बात पे सेलेक्ट होगा? क्यों सेलेक्ट होगा भाई तू? बच्चों का खेल समझा तूने ये चीज? नहीं सर बिल्कुल नहीं। अरे तू फेलियर है यार। नहीं सर, मैं ट्राई कर लेता हूँ सर दोबारा। एक चौप लास्ट टाइम दे दो। नहीं किया तो? नहीं किया तो तू अपने आप को थप्पड़ मारेगा। बिल्कुल सर, आप मार लेना। मैं नहीं मारूंगा, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं मार लूंगा सर। क्या हुआ? क्यों नहीं हो पा रहा? तेरा प्लान क्या है? ये करता ही रहेगा तू? ये लास्ट ट्राई। रुक जा, मेरी तरफ देख, अपने आप को थप्पड़ मार। नॉट राइट अगेन। मेरी तरफ देख।
बस खड़ा हो जा, बस खड़ा हुआ तू। उठ जा, कुर्सी खींच। क्या चल रहा मन में? थोड़ा अजीब लग रहा है। हैं? बोल।